वहीं भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर के जानकार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं, जहां कई अहम विषयों पर भी चर्चा हो रही है। सभी देश अपना मत रख रहे हैं। वहीं बेंगलुरु की G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक में रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष को किस तरह से पेश किया जाए, इसको लेकर विवाद हो गया और दुनिया दो मतों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। युद्ध नहीं संघर्ष या संकट कहने पर दुनिया दो फाड़ में हो गई। रिपोर्ट आप देखिए। G20 की बैठक में जंग पर विवाद। बैठक में ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ जारी। युद्ध नहीं संघर्ष या संकट कहने का विवाद। अमेरिका और फ्रांस ने की चर्चा की मांग। रूस और चीन ने जताई असहमति। रूस और यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी संघर्ष जारी है। वहीं अब इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया भी दो तरफ बढ़ती नजर आ रही है। भारत में आयोजित हो रही G20 समिट में भी इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत, रूस और चीन इस बयान के साथ नहीं है, जिसकी वजह से बैठक के बाद कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा सका। बेंगलुरु में G20 के वित्तीय प्रमुखों की बैठक में रूस के यूक्रेन पर हमले को भारत युद्ध की जगह संघर्ष या विवाद कह रहा है। वहीं अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देश इसे युद्ध कह रही हैं। G20 की बैठक में अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस मुद्दे को G20 में चर्चा के लिए रखने के पक्ष में चीन और रूस नहीं थे। वहीं भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। भारत ने भी इसे लेकर कहा कि G20 के मंच पर इस तरह के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस मसले को चुनौती, संकट या संघर्ष जैसे शब्दों से परिभाषित किया जाना चाहिए। G20 की बैठक में मौजूद अधिकांश सदस्यों ने यूक्रेन में युद्ध की कड़ी निंदा करने के साथ इस पर जोर दिया कि ये जंग भयंकर मानवीय पीड़ा पैदा कर रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ा रही है। स्टेटमेंट के इस पैरा पर रूस और चीन सहमत नहीं थे। वहीं भारत ने भी इस मुद्दे को युद्ध जैसे शब्दों से परिभाषित करने का समर्थन नहीं किया। रूस और चीन स्टेटमेंट से इस पैरा को हटाने के पक्ष में थे और इसी वजह से बैठक के आखिर में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।